एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी रानी कौवी और उनका बेटा राजू कौवा रहते थे। अरे बेटा राजू, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं नीलू चिड़िया के घर गया था। मैंने उनके बेटे से बोला कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, तो उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। राजू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम उस चिड़िया के बेटे के साथ ना खेला करो, वो बहुत ही घमंडी है, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। तो अच्छा रानी, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई बबलू ने मुझे दूसरे जंगल बुलाया है। उसने बहुत सारी गंदम की फसल इकट्ठी की है और वे उस फसल से थोड़ा सा मुझे भी देना चाहता है। तुम राजू और अपना ध्यान रखना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। ठीक है खालू, तुम जाओ, मैं अपना और राजू का ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ अपने भाई बबलू कौवे से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वे कालू कौवा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? चलो इस पेड़ पर जो मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, इनको ही तोड़कर खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे मीठे मीठे अमरूद को तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, बहुत ही मजे का ये अमरूद था, इसे तो खाकर मजा ही आ गया। चलो चलो कालू कौवे, बहुत देर हो गई, मुझे जाते जाते रात हो जाएगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। कालू कौवा ऐसी बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से एक तीर आकर कालू कौवे को लग जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। बाप रे बाप, लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। अरे ये तीर कोई निकालो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे कितना दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर कालू कौवा ऐसे ही चीख रहा होता है कि वहाँ पर बिरजू तोता आ जाता है और वे तोता कालू कौवे को ऐसी हालत में देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे, ये क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हें तीर कैसे लगी? अरे रे, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, अरे रे अब मैं क्या करूँ? अरे तोते, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, जंगल जाओ और जंगल के सारे पक्षियों और रानी कौवी को यहाँ लेकर आओ। ठीक है कालू कौवे, बस तुम थोड़ा सबर करो, मैं अभी जंगल जाकर रानी कौवी और सारे पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। फिर वे राजू तोता भागा भागा सारे जंगल के पास चला आता है। अरे नीलो चिड़िया, कालू कौवे को किसी ने तीर मार दिया है, जिसकी वजह से कालू कौवे को बहुत दर्द भी हो रहा है और वो हमें बुला रहा है। तुम एक काम करो, बाकी जंगल के तमाम पक्षियों को जमा करो, जब तक मैं रानी कौवी को भी ये बात बता देता हूँ। ठीक है मिट्ठू भाई, तुम जाओ जल्दी और रानी कौवी को भी बुला कर ले आओ। मैं यहाँ पर सारे पक्षियों को जमा करती हूँ, फिर हम सब जाकर कालू कौवे को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर राजू तोता रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी कौवी, रानी कौवी, कालू तोते को एक तीर आकर लग गया है, कालू कौवा बहुत घायल भी है, उसका बहुत खून निकल रहा है, तुम जल्दी चलो, कालू कौवा तुम्हें बुला रहा है। क्या हुआ मेरे कालू कौवे को, मैं तो अपने भाई बबलू कौवे के पास जा रहा था, तो फिर उसको तीर कैसे लगी? चलो राजू तोते, हम जल्दी से चलते हैं उस कालू कौवे के पास। फिर सारे जंगल के पक्षी मिलकर उस कालू कौवे के पास जाने लगते हैं। कालू, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुमने ऐसे आंखें क्यों बंद की भी है? तुम उठो, मुझसे बातें करो, तुम्हें ये तीर कैसे लग गई? अरे रानी कौवी, आप थोड़ा सबर करिए, मुझे लगता है कि कालू कौवा अब हमारे बीच नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कालू को तीर कैसे लग गई, वे हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? कालू तुम उठ जाओ, मुझसे बातें करो। अरे रानी कौवी, अब कालू कौवा हमारे बीच नहीं रहा, तुम सबर करो, अब हम चलते हैं यहाँ से, अब हमारे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है, चलो सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं।
फिर सारे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन सारे पक्षियों के जाते ही कालू कव्वे के पास एक वेद जी आ जाता है। वे वेद जी उस कालू कव्वे को देख कर कहता है, अरे लगता है इस कालू कव्वे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया है, चलो जल्दी से इस कालू कव्वे की मरहम पट्टी कर देता हूँ। फिर वे वेद जी उस कालू कव्वे की मरहम पट्टी कर देता है और उस कालू कव्वे को कुछ देर के बाद होश आ जाता है। अरे वेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मरहम पट्टी की। मैं तो पेड़ पर बैठा आराम से मजे मजे का भोजन खा रहा था और फिर अचानक मुझे एक तीर आकर लग गई। तुम चिंता मत करो कव्वे, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, बस अपना ध्यान रखना। लो अब मैं चलता हूँ। वही दूसरी तरफ पूरे जंगल में कालू कव्वे के मरने की खबर फैल चुकी होती है और सारे पक्षी बहुत अफसरदा होते हैं। अरे तोते भैया, वे कालू कव्वा जैसा भी था मगर दिल का बहुत अच्छा था, उसके बगैर तो ये पूरा जंगल सुना सुना हो गया है। अरे हाँ चिड़िया बहन, वे कालू कव्वा जैसा भी था लेकिन बहुत अच्छा था, वे हर बार गलती करता था लेकिन फिर माफ़ी भी मांग लेता था, अब मुझे उसकी एक एक गलती याद आ रही है। अरे तोते भैया, हमें उस कालू कव्वे की इतनी याद आ रही है, उस रानी कव्वे को उस कालू कव्वे की कितनी याद आ रही होगी। चले हम उस रानी कव्वे को कुछ भोजन दे आते हैं। उस रानी कव्वे का एक छोटा सा बेटा भी है, वे रोजाना कैसे भोजन ढूंढेगी। चलो हम उस रानी कव्वे को थोड़ा सा भोजन दे आते हैं। और हाँ, हम लोग अब रोजाना उस रानी कव्वे को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देंगे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अब चलता हूँ और मैं सारे पक्षियों को भी कह दूंगा कि वे रोजाना उस रानी कव्वे को थोड़ा थोड़ा भोजन दे आया करें। इस तरह उस रानी कव्वे को भी अच्छा लगेगा। फिर नीलो चिड़िया और राजू तोता थोड़ा सा भोजन लेकर उस रानी कव्वे के पास चले जाते हैं। अरे रानी कव्वे, मैं और तोता आपके खाने के लिए थोड़ा सा भोजन ले आए हैं, तुम ये भोजन खा लो और अपना पेट भर लो। फिर रोजाना रानी कव्वे को कोई ना कोई पक्षी आकर भोजन दे जाता था, जिसकी वजह से बैठे बैठे रानी कव्वे को भोजन मिल रहा था। अरे ये कालू कव्वा तो चला गया लेकिन इसकी वजह से मुझे और राजू कव्वे को रोज रोज कितना अच्छा खाना खाने को मिलता है। फिर रानी कव्वे ऐसी ही बातें करती है कि वहाँ पर कालू कव्वा आ जाता है और रानी कव्वे कालू को देख कर दंग रह जाती है। अरे ये कालू तो नहीं हो सकता, कालू तो मर चुका है, यकीनन ये कालू का भूत है। अरे कालू के भूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे रानी कव्वे, ये तुम क्या कह रही हो, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो असली कालू कव्वा हूँ। फिर वे कालू कव्वा रानी कव्वे को सारी बात बता देता है और ये बात सुनकर रानी कव्वे बिल्कुल दंग रह जाती है। अरे कालू, तुम जिंदा हो, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ये जंगल के सारे पक्षी मुझे मजे मजे के भोजन दे जाते थे और मैं खूब मजे ले लेकर वे भोजन खा लेती थी, अब तुम आ गए हो, अब वे पक्षी जो मुझे रोज मजे मजे का भोजन देते थे अब वे नहीं देंगे, अब तुम्हें ही मुझे मजे मजे का भोजन खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं रानी, मैं तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन नहीं खिला सकता हूँ, बल्कि वे पक्षी ही तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन खिलाएंगे। मेरे दिमाग में एक शात्री योजना आई है। देखो रानी, मुझे यहाँ पर आते हुए किसी भी पक्षी ने नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन मिले, इसीलिए मैं वापस चला जाता हूँ। और हाँ, मैं रात के अंधेरे में आऊँगा और तुम मेरे लिए थोड़ा बहुत भोजन बचा के रखना, मैं रात को आकर वे खाकर वापस चला जाऊंगा। इस तरह तुम्हें भी मजे मजे का भोजन खाने को मिलेगा और मुझे भी। अरे वाह कालू, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या योजना आई है। चलो चलो, अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ इससे पहले कि तुम्हें कोई पक्षी देख ले। फिर वे कालू कव्वा छुपता छुपाता वहाँ से चला जाता है।
फिर रात होने पर वे कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और मजे मजे का भोजन खाकर वापस चला जाता है। फिर रोजाना की तरह एक दिन वे कालू कौवा अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए आता है। चलो रानी, अब मुझे जल्दी से खाना दे दो, वरना मुझे कोई पक्षी देख लेगा। कालू कौवे के घोंसले के पास ही एक बुलबुल सो रही होती है और वे कालू कौवे की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। अरे रे, ये तो कालू कौवे की आवाज़ लगती है, लेकिन कालू कौवा तो मर चुका है। लेकिन कालू कौवे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लेकिन फिर बुलबुल की नज़र कालू कौवे के घोंसले पर पड़ती है और वे देखती है कि कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा भोजन खा रहा होता है। अरे, ये तो कालू कौवा ही लग रहा है, लेकिन ये कालू कौवा कैसे हो सकता है? लेकिन कालू कौवा तो मर चुका है। चलो उस घोंसले में ही जाकर देखती हूँ कि ये कालू कौवा है या फिर कोई और। फिर वे बुलबुल कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम तो मर चुके थे, तो तुम जिंदा कैसे हो गए? अरे रे, ये क्या देख रही हूँ मैं, कालू कौवा तो जिंदा है। अरे बुलबुल, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम तो अपने घोंसले में सो रही थी। जाओ जाओ, तुम जाकर अपने घोंसले में सो जाओ और इसको सपना समझकर भूल जाना। अच्छा कालू कौवे, अब ये सब कुछ मुझे समझ आ गया। तुम सब लोग ये मरने का नाटक कर रहे थे। तुम्हें तो रोजाना फ्री फ्री मजे मजे का भोजन मिल रहा था, तो तुम लोग तो ये नाटक करोगे ही ना। अब देखो तुम, कल सारे पक्षियों को लेकर यहाँ पर आती हूँ, फिर सारे पक्षी तुम्हें कैसे मजा चखाते हैं। फिर अगली सुबह वे बुलबुल सारे पक्षियों को लेकर उस कालू कौवे के घोंसले पर आती है। अरे कौवे भैया, आप जिंदा हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है, लेकिन आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? वे मैं आपको बताती हूँ बुलबुल बहन, ये कालू कौवा मरने का नाटक कर रहा था। इसको रोजाना मुफ्त का मजे मजे का भोजन जो मिल रहा था, तो ये तो नाटक करेगा ही ना। अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने रानी के लिए किया है। रानी को रोजाना मजे मजे का भोजन खाना था, तभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर सारे पक्षी उस कालू कौवे को माफ कर देते हैं और वापस अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं।